अमरीकी सदारती इलेक्शन में नतीजे आने का सिलसिला जारी। डोनाल्ड ट्रंप 248 इलेक्टोरल वोटों के साथ आगे, कैमला हैरिस के 216 वोट। 270 इलेक्टोरल वोट का नंबर पूरा करने के लिए स्विंग रियासतों का किरदार इंतहाई अहम। 5 स्विंग स्टेट्स के नतीज का इंतजार। ट्रंप ने मैदान जंग का पहला महासर कर लिया। स्विंग स्टेट शिमाली कैरोलिना में कैमला हैरिस को शिकस्त दी। पेंसिल्वेनिया में सॉफ्टवेयर सिस्टम बैठ गया, वोटों की हाथों से गिनती। स्विंग स्टेट न्यूयॉर्क समेत दीगर रियासतों में पोलिंग अब भी जारी। व्हाइट हाउस के बाहर ट्रंप के हामियों का जश्न। अमरीकी सेनेट में फिर रिपब्लिकन्स ने वाजे अक्सरियत हासिल कर ली। रिपब्लिकन्स 51 नशस्तें लेने में कामयाब, डेमोक्रेट्स की 42 नशस्तें हो गई। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स को 174 और डेमोक्रेट्स को 138 नशस्तें मिल गई। सिर्फ चाहूंगा अपनी कम्युनिटी का अच्छा एडवांसमेंट हो, अपना पॉलिसी आगे बढ़े और अमेरिका एक मोर टॉलरेंट कंपैशनेट कंट्री हो। दैट्स व्हाट आई वांट। पाकिस्तानी नयाद डेमोक्रेट सुलेमान भुजानी टैक्सेस असेंबली की नशस्तें मुसलसल दूसरी बार कामयाब। एआईवाई न्यूज से गुफ्तगू में कहा, मेरे हलके में सिर्फ 1% मुसलमान हैं। पाकिस्तानियों समेत सबके मसाइल के हल के लिए काम करूंगा। अमरीका की फोर्ट बैंड काउंटी से कांस्टेबल के पाकिस्तानी नयाद उम्मीदवार अली शेखानी कामयाब। अली शेखानी ने पाकिस्तानी नयाद नबील शायक को शिकस्त दी। मिशिगन से डेमोक्रेट मुस्लिम रहनुमा राशिदा तुलैब और मिनीसोटा से इल्हान उमर कामयाब हुई। अमरीकी सदारती इंतखाब में जमीन के बाद खला में भी वोट पड़ गया। अमरीकी खलाबाजों ने अपना वोट का हक इस्तेमाल किया। अमरीकी खलाबाजों ने खलाई स्टेशन से तस्वीर शेयर कर दी। अमरीकी इंतखाबात में एक बार फिर रूस पर मुदाखलत का इल्जाम। एरिजोना में धांधली की वीडियो वायरल। जॉर्जिया में बम की अफवाहें। FBI ने दावा किया रूस झूठे प्रोपेगेंडे में मुलव्वस निकला। सोशल मीडिया पर वोटिंग में हेराफेरी की झूठी वीडियो वायरल है। जाली वीडियो में वोट कैमला हैरिस के हक में तब्दील करते दिखाए गए। एरिजोना में झूठी वीडियो और जॉर्जिया की पोलिंग सेंटर्स पर बम की झूठी इत्तला रूस से फैलाई गई। बम की अफवाहों की वजह से पोलिंग का अमल आधे घंटे के लिए रोकना पड़ा। पेंसिल्वेनिया की कैम्ब्रिया काउंटी में सॉफ्टवेयर खराबी के बायस बैलेट स्कैनिंग में खलल। अदालती हुक्म पर पोलिंग का वक्त बढ़ा दिया गया। हिजबुल्ला और अलकसाम ब्रिगेड के हमले रोकने में नाकामी पर इसराइली वजीर आजम ने वजीर दिफा को बरतरफ कर दिया। नेतन्याहू के फैसले के खिलाफ इसराइली शहरियों का एहतजाज। नेतन्याहू के इस्तीफे, इसराइली कैदियों की रिहाई और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। नेतन्याहू ने वजीर खारजा कॉर्टिस को वजीर दिफा बना दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान के एक रोज़ा दौरे पर रवाना। मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों, नलतर एक्सप्रेसवे और दीगर प्रोजेक्ट्स का संगे बुनियाद रखेंगे। पन बिजली के प्लांट और दीगर तरक्याती मंसूबों के संगे बुनियाद और इफ्तिताह करेंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर शुदा नए घरों की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। बानी PTI को बाहर जाना होता तो इतना अरसा जेल न काटते। ख्वाजा आसिफ और शरीफ खानदान का ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। बैरूनी ताकतों के बलबूते पर हमेशा शरीफ खानदान बाहर गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, ख्वाजा आसिफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करके बानी PTI को अपने लीडर के बराबर लाना चाहते हैं। बानी PTI का दुनिया में नाम और इज्जत है जो शरीफ खानदान की नहीं। रवा माली साल के 4 माह में अहदाफ के हवाले से चीजें बहुत बेहतर हुई। शराय सूद में 2.5% कमी हुई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दी फ्यूचर समिट से खिताब, कहा पाकिस्तान में मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम देखा जा रहा है। करेंसी की कदर भी मुस्तहकम है। गैर मुल्की मेहमानों के लिए वीजा सहूलत ऑनलाइन कर रहे हैं। लाहौर आज भी जहरीली फजा की लपेट में। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। बागों के शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद को छू गया। सुबह के वक्त शहर का AQI 1000 से तजावुज कर गया।
भारत का शहर दिल्ली आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। बंद कर दिया ना, नहीं, हमने रास्ता होगी तो खत्म होगा रास्ता, हमने बंद नहीं किया, कम अज कम इन्होंने अपने फ्लैंक्स जरूर कवर किए हुए हैं। गंडापुर साहब ने भी, और उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है बेगम साहब भी बाहर आई हैं, और इसके पीछे जो है ब्लेसिंग्स जो है इमरान खान की शामिल हैं। हमने पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट में बात का दरवाजा बंद नहीं किया। अली अमीन गंडापुर समेत पीटीआई ने कुछ रवैया बदला है। बानी पीटीआई के आशीर्वाद के बगैर बुशरा बीबी बाहर नहीं आ सकती थी, ना ही गंडापुर कोई फैसला कर सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मईशत मजबूत मजीद मजबूत हो तो बानी पीटीआई की मकबूलियत से कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में बाजवा एंड कंपनी गैर मकबूल है, किसी फर्द वाहिद के लिए कानून साजी नहीं की गई। गैर यकीनी सूरत हाल से निकलने के लिए ये कानून साजी की गई। सर्विसेज चीफ्स को एक्सटेंशन नहीं दी गई बल्कि मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई गई। बानी पीटीआई ने जब बाजवा को एक्सटेंशन दी तो क्या उस वक्त उन्हें याद नहीं था? वादों से मुकरने और मुशावरत से फरार पर बिलावल भुट्टो हुकूमत से नाराज। बिलावल भुट्टो ने बतौर एहतजाज गुज़श्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन से अपना नाम वापस लिया। बिलावल ने कहा हुकूमत ने जुडिशल कमेटी में मसावी नुमाइंदगी के वादे को पूरा नहीं किया। ज़राए ने बताया हुकूमत के साथ पीपी के मुस्तकबिल का फैसला अब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल वतन वापसी पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएंगे जिसमें अहम फैसले किए जाएंगे। रेट 22% से ये 15% पे आ गई है, एक बड़ी खुशाइन डेवलपमेंट है। 1300 अरब रुपए अपने कर्जों की उसमें कमी आएगी, मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी तरक्की है। पॉलिसी रेट में कमी से कर्जों के बोझ में 1300 अरब रुपए की कमी आई जो हुकूमत के लिए बड़ा रिलीफ है। पॉलिसी रेट में 3 माह से मुसलसल कमी आ रही है, ऐसे ही बेहतरी आती रही तो मईशत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा पावर सेक्टर के हवाले से बहुत अच्छी खबर है, चाहते हैं आम आदमी को रिलीफ मिले, रोजगार बढ़े। वजीर आजम रवा हफ्ते सऊदी अरब और अजरबैजान का दौरा करेंगे। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में 2 मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा F9 फ्लाई ओवर जो आम हालात में 6 माह में मुकम्मल होता, वजीर दाखिला और उनकी टीम की काविशों से 100 दिन में मुकम्मल हो जाएगा, जबकि सरीना चौक का मंसूबा 60 दिनों में पाया तकमील तक पहुंच जाएगा। हमारी बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई हैं विद एसएनपी मूडीज फिच इन वॉशिंगटन, उनके साथ हमारे 6 महीने से एंगेजमेंट है, उसी के बेसिस पे एक अपग्रेडिंग हुई भी है। अगले कुछ महीनों में आई सी either euro or the US market not this fiscal year but the next fiscal year. पाकिस्तान अगले माली साल में यूरो बॉन्ड्स मुतारिफ कराएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं चंद माह में पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बी होने की तवक्को है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज फिच मूडीज और S&P के साथ हमारी गुफ्तगु मुस्बत रही। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान की मार्केट लॉन्चिंग की तकरीब से खिताब में यह भी कहा IMF से $1 अरब की क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मंसूबे बेहतर अंदाज में पेश करना होंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से भी बातचीत जारी है। और पाकिस्तान के मकबूल तरीन ड्रामे कभी मैं कभी तुम की हैप्पी एंडिंग, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के करोड़ों नाजरीन ने AIY डिजिटल पर ड्रामे की आखिरी किस्त देखी। आखिरी किस्त बड़े पर्दे पर भी दिखाई गई। पाकिस्तान भर के सिनेमा घरों में खिड़की तोड़ रश। मुस्तफ़ा और शजीना की मोहब्बत की हैप्पी एंडिंग से शाकी निहाल। इंडिया बांग्लादेश और UAE समेत कई मुल्कों में मुस्तफ़ा और शजीना पसंदीदा कैरेक्टर बन गए।